तो क्या करना है, अभी इक्वेशन हमने बना लिया टी माइनस एम टू ए नॉट माइनस एम टू जी इक्वल्स टू एम टू ए। ओके, अब ये इनका कहना है कि सर सुडो फोर्स इज एम ए, देन व्हाई वी डिडंट यूज सुडो फोर्स। अरे सुडो फोर्स का मतलब होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सुडो फोर्स का मतलब होता है मास किसका, ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। यही तो हम बहुत दिनों से यही बात बताते आ रहे हैं, सुडो फोर्स में मास किसका। जी हाँ, ये जो एम टू ए नॉट लिखा है हमने, ये क्यों लिखा है, एम टू ए नॉट में एम टू मास किसका, ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इसलिए हमने लिखा एम टू इंटू ए नॉट। समझा ना, इस तरह। जी तो वेरी गुड, पहले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन हटा दो बेटे, फटाफट करके मुझे बताओ क्या आता है आंसर। ओके, ए ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है। ये ऊपर वाला सब लिख लिया था ना हमने। हाँ सर, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को हटाना है, बस बात खत्म हो जाएगी। ओके, तो इधर मैं लिख दूं दोनों इक्वेशन, टी माइनस एम वन ए नॉट माइनस एम वन जी इक्वल्स टू माइनस एम वन ए माइनस, ये दूसरा इक्वेशन है आपका, टी माइनस एम टू ए नॉट माइनस एम टू जी इक्वल्स टू एम टू ए, माइनस कर दो, ये टी में से टी हट जाएगा, ये माइनस एम वन ए नॉट और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम टू ए नॉट, ये माइनस एम वन जी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस क्या, एम टू जी। इक्वल्स टू ये माइनस एम वन ए और ये माइनस एम एम टू जी ए, एम टू ए। हाँ एम टू ए जी तो बात खत्म, तो ये दोनों में से ए नॉट कॉमन निकलेगा, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, ए नॉट, ए और नॉट सेकंड एम में टू क्या बचने माइनस एम वाला है, वन माइनस एम एम टू वन माइनस एम वन प्लस एम प्लस टू एम टू, दूसरे दोनों में जी कॉमन माइनस जी को कॉमन ले लो, माइनस एम वन प्लस एम वन प्लस एम टू एम टू इक्वल्स टू, इधर ए कॉमन, माइनस एम वन माइनस एम टू माइनस एम टू टू ए, तो फिर से यहां पर माइनस एम वन प्लस एम टू और ए माइनस एम वन प्लस एम टू, ये दोनों मुझे कॉमन दिख रहे हैं, है ना, हाँ सर तो इनमें से मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस एम वन प्लस एम टू मतलब एम टू माइनस एम वन और अंदर बचेगा ए नॉट प्लस जी। जी जी हाँ जी, इक्वल्स टू माइनस, दोनों का अगर मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा एम वन प्लस एम टू इंटू ए, तो ए चाहिए मुझे, तो ए इक्वल्स टू ये सब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये एम टू माइनस एम वन और इधर ए नॉट प्लस जी डिवाइड बाय माइनस एम वन प्लस एम टू, ये माइनस से अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उल्टा हो जाता है बस, ठीक है, तो
फाइनल आंसर यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये माइनस से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये एम वन माइनस एम टू हो जाता है, क्या हो जाता है एम वन माइनस एम टू, उल्टा हो जाता है बस, और ए नॉट प्लस जी ये तो है ही, डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। कुछ समझ में आया? आया सर जी। हाँ सर समझा। इसमें किसी भी स्टेप में समझने में आपको दिक्कत है तो आप पूछिए मुझसे। सर जो ये ए जो लिया है हमने तो वो किसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था क्या सर? वो तो मास का था ना सर, एक्सेलरेशन ए। हाँ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो सर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा ना आपकी? हाँ हाँ करना है, आगे करना है। अभी ये पूछ रहे हैं कि सर वो ए नॉट वाला बताओ ना, ए नॉट वाला मतलब ए नॉट क्या है फिर से समझा रहा हूं। ये देखिए कुछ लोग को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया था, इसमें हमें दिया है कि भाई ये लिफ्ट है, ये पूरा का पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए नॉट इतने एक्सेलरेशन से, मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है आपका? लिफ्ट। और लिफ्ट से कौन चिपका हुआ है? पुली। तो पुली क्या बन गया? पुली इज ऑल्सो द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की यहां पर, ठीक है। और ये दोनों जो एक्सेलरेशन हमने लिए ए ऊपर और नीचे, वो किसके रिस्पेक्ट में है? दे आर विथ रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। अब कोई डाउट है बोलो, कुछ लिखना रह गया हो तो लिख लो। समझ में आया ये? इज इट क्लियर? यस सर। गुड, नाइस, समझ में आया, वेरी नाइस। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है जी, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है सर। फिर एक्सेलरेशन किसका है? हाँ ये एक्सेलरेशन है दोनों मास का विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना क्या है? अब हमें ढूंढना है फाइनल आंसर। हमें पूछा क्या था? देखिए हमें पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम वन एंड एम टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करनी है। और जब हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे तो आइए अब हम इसको, दो मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको यहां पर लिख रहा हूं अभी मैं, ध्यान से देखिए। अब बेटे ए क्या है? ये वाला ए एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली, एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विद रिस्पेक्ट टू पुली, और पुली किसको कनेक्टेड है? लिफ्ट को, मतलब लिफ्ट इनडायरेक्टली पुली बोला है सर, लिफ्ट की चीज है, ठीक है। सो मैं लिखता हूं कि ए क्या है? एक्सेलरेशन किसका? M1 का, वन लिखता हूं सिर्फ, और फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो वन एल का मतलब क्या होता है?
एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एलजी, एलजी का डीवी, हाँ सर। वन एल का मतलब क्या होता है? एक लीटर पानी? नहीं सर। हाँ, क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिखा है ऊपर, देखो ना, ऊपर लिखा है ना, ये देखो क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विद रिस्पेक्ट टू पुली। पुली मतलब पुली ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट लिफ्ट। तो लिफ्ट का एल लिखा मैंने, लिफ्ट का एल लिखा यहाँ पर। और वन मतलब किसका? एम वन। वन मतलब कौन? एम वन। तो एम वन का एक्सेलरेशन with respect to lift is equals to a1 minus al, a1 minus al, a1 मतलब a of one with respect to ground minus a of lift with respect to ground। हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है इसको a1 with respect to ground, हमें यही तो ढूंढना है acceleration of m1 with respect to ground। तो ये a lg वाले को उस साइड में फेंक दो, तो ये बनेगा ये a तो है ही यहां पर a, और ये माइनस इधर आके बनेगा प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारे वेक्टर्स है बेटे, है ना, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमें ढूंढना है। तो हम बस इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे। a का वैल्यू क्या है? ये है पूरा। अब जरा m1 को देखो, किधर है m1? चलो M1 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका M1, M1 आ रहा है नीचे, है ना, M1 किधर आ रहा है? नीचे, नीचे। तो मैं बोल दूंगा कि अपने इस फॉर्मूले में ये A नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ निगेटिव, तो ये पूरा पूरा वैल्यू जो A का वैल्यू है ये इसको लेना पड़ेगा निगेटिव, तो इसको ले लेंगे माइनस ये पूरा ब्रैकेट M1 माइनस M2 ब्रैकेट में A नॉट प्लस G डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये कौन है A, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A नॉट। A नॉट है, किधर जा रही है? लिफ्ट। लिफ्ट का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो लिफ्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ऊपर जा रही है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन ने तो दिया है। लिफ्ट किधर जा रही है बेटे? ऊपर। लिफ्ट जा रही है ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रही है। जब वैल्यू सिर्फ ए नॉट दिए रहते तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ग्राउंड होता है, ये ध्यान रखना। अलग से बोलेंगे नहीं आपको, अलग से नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि एक्सेलरेटिंग अपवर्ड बोलेंगे। देखो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट ए नॉट, तो समझ जाओ कि बाय डिफॉल्ट किसके साथ है, इसका संबंध किसके साथ है? ग्राउंड के साथ। समझा? तो आइए, यस सर। तो इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ए नॉट, और ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव ले लूंगा, तो ए नॉट which is equals to acceleration of m1 with respect to ground, जो हमें ढूंढना था। काम हो गया अपना। तो यही है आपका m1 का answer। m1 के लिए ये है। इसको cross multiply करके भी solve हो सकता है ये आगे, पता है आपको? हाँ सर। हाँ, इसको आगे आप cross multiply करके भी solve कर सकते हो। ये रहा acceleration of m1 with respect to ground, ठीक है। उसी तरह क्या आप दूसरा ढूंढ सकते हो? यस सर, सिर्फ ए की वैल्यू पॉजिटिव ले। यही यही फॉर्मूला फिर से सिमिलरली, सिमिलरली ये ए वन जी यहां पर था, तो मैं लिखूंगा ए प्लस टू जी ए एल जी
इक्वल्स टू ए टू जी, टू जी ठीक है। तो इसमें बस एक फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा पता है आपको सर? सिर्फ ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ, यहाँ पर हमने ए को निगेटिव लिया था, क्यों निगेटिव लिया था? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था सर उस वक्त, इसलिए। हाँ, क्योंकि आपका ये जो M1 है वो नीचे आ रहा था, लेकिन M2 जो है, M2 वो ऊपर जा रहा है ना, उसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली ऊपर है, तो ये पॉजिटिव आएगा टर्म। तो आंसर बनेगा आपका M1 माइनस M2 दूसरे ब्रैकेट में A नॉट प्लस G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस ए एल जी, तो वो तो है पता है आपने, ए नॉट ऊपर की तरफ है, इक्वल्स टू ए टू जी, हो गया काम, यही आंसर है आपका। इसको सॉल्व करके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो आप कर लो, लेकिन यही आंसर है। समझा? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए कहीं भी। थोड़ा सा ये टफ था, ये थोड़ा सा टफ है समझने में, तो यहाँ पर विकेट जा सकती है शायद, है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। हाँ, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, कुछ लोगों को हाँ लगेगा। अब कुछ बैट्समैन जो अच्छे से खेलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा किया है, तो प्रैक्टिस किए हुए बैट्समैन की विकेट जल्दी नहीं जाएगी। अब कोई बैट्समैन नए नए हैं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो विकेट जा सकती है ना, गुगली है ना? हाँ सर, गुगली है। हाँ, गुगली था यार, तो गुगली पे विकेट तो जा सकती है, पॉसिबल है। हाँ बोलो सर, ये राइट साइड का दिखाओ ना, वो दिख रहा नहीं इधर का, ये दिखाओ। हाँ ठीक है, यस सर।